देखिए प्रोग्राम खपल वजीर आला और जानिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की गुज़श्ता हफ्ते की मसरूफियात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहाँ उन्होंने नए एकेडेमिक ब्लॉक, एडमन ब्लॉक और मुतअद्दी बीमारियों की तशखीस के लिए चार मुख्तलिफ लेबॉरेटरियों का इफ्तिताह किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम के अपग्रेडेशन पर काम की सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका एक्सियन और एसडीओ को फौरी मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 19वां इजलास वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वजीर आला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत टेक्निकल तालीम के फरोग के लिए नतीजा खेज इकदाम उठा रही है। इसका मकसद सूबे में नौजवानों को हुनरमंद बनाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि सूबे के सियाहती मकामात के लिए बनने वाली मास्टर प्लानिंग की तैयारी तक उन सियाहती मकामात में तामीराती सरगर्मियों पर फिल फोर पाबंदी आयद की जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक एक अहम इजलास वजीर आला हाउस पिशावर में मुनक्किद हुआ। वजीर आला ने इस मौके पर सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस अहलकारों की शहादत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सूबे में तरक्की और खुशहाली के लिए अमन व अमान नागुजीर है और सूबाई हुकूमत के लिए अमन व अमान का क्याम सबसे मुकद्दम है।